दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 899 नए मामले सामने आए तथा 4 और मरीजों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर 3.34% रही। संक्रमण से मौत के ये मामले 2 महीने से अधिक के वक्त में सर्वाधिक हैं। इससे पहले दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1032 नए मामले सामने आए थे और किसी मरीज की मौत नहीं हुई थी तथा संक्रमण दर 3.74% रही। इन नए मामलों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कुल बढ़कर 18,99,072 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 26,188 हो गई है। दिल्ली में बुधवार को 3.34% संक्रमण दर के साथ 990 नए मामले सामने आए थे, जबकि एक मरीज की मौत हो गई थी। मंगलवार को यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,018 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण दर 4.38% थी।